हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिल्ली कैरियर ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवेज़ की हिस्ट्री के बारे में। तो भारत में रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को, लेकिन उनके इंट्रोडक्शन रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस करने के पीछे दो मेन वजहें थी। एक था ब्रिटिशर्स का कमर्शियल इंटरेस्ट, जिसके थ्रू वो भारत से जो भी रॉ मटेरियल था, जो भी कच्चा माल था, जैसे कोयला हो गया, महत्वपूर्ण लकड़ी हो गई, कपास हो गया, ये सारा का सारा रॉ मटेरियल वो ब्रिटेन में लेके जाते थे। वहाँ से वो उन सारी मटेरियल्स का फाइनल गुड्स बना के भारत के इंटीरियर इलाकों में जाकर डंप कर देते थे। दूसरा मेन रीज़न था कि अगर कोई विपक्षी इलाके में विद्रोह कर दिया जाता है, कोई दूर दराज के क्षेत्र में कोई ब्रिटिशर हुकूमत के अगेंस्ट विद्रोह खड़ा कर देता है, तो इन दैट केस क्या है, ब्रिटिशर्स आसानी से वहाँ वाले इलाके में आसानी से अपनी सेना भेज सकते थे। साथ में ही जो ब्रिटिशर्स का आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, वो भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। तो पहली पैसेंजर ट्रेन जो थी वो चलाई गई थी बोरीबंदर टू थाने, जो कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। एंड ये ट्रेन चलाई गई थी 16th of April 1853। इस ट्रेन को बनाया था एंड इस ट्रेन को ऑपरेट किया जा रहा था एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज़ के द्वारा। इस ट्रेन के तीन स्टीम लोकोमोटिव्स थे जिनका नाम था साहिब, सुल्तान एंड सिंध। तो ये ट्रेन जो थी वो ऑपरेट करती थी ब्रॉड गेज ट्रैक पे, जो कि 5 feet 6 inches का हुआ करता था। इसमें टोटल 14 डिब्बे थे जिनमें से 400 सवारियों ने इस ट्रेन में सफ़र किया था। तो रेलवेज़ की इसी लोकप्रियता को देखते हुए 1855 से लेकर 1860 में 8 न्यू प्राइवेट रेलवे कंपनीज़ बनाई जाती हैं। जैसे 1854 में ईस्टर्न इंडिया रेलवेज़ बनाई गई, सिमिलरली 1856 में साउदर्न इंडिया रेलवेज़ बनाई जाती है। तो लोकप्रियता को बढ़ता हुआ देख जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो भी निर्णय लेती हैं कि वो भी अपने अपने जो राज्य है वहाँ पर रेलवेज़ का विस्तार करेंगी। तो अल्टीमेटली 1864 में कलकत्ता से दिल्ली रेलवे लाइन ऑपरेट की जाती है एंड उसी ईयर अलाहाबाद से जबलपुर जो रेलवे लाइन थी उसे भी स्टार्ट किया जाता है। तो 1870 तक जो रेलवे लाइन का पूरा नेटवर्क था वो भारत में 6400 माइल्स का नेटवर्क बिछ गया था। फिर 1869 में वायसराय लॉर्ड मायो के द्वारा एक और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है। अब वो डिसाइड करते हैं कि रेलवे जो है वो उन्हें एक स्टेट एंटरप्राइजेस की तरह डेवलप किया जाएगा, कि जो स्टेट्स हैं उनमें भी रेलवे को डेवलप किया जाएगा। तो उनके इस निर्णय के कारण 1818 में जो रेलवे नेटवर्क था वो 14400 किलोमीटर का विस्तार किया जाता है और बढ़ जाता है रेलवे नेटवर्क। अल्टीमेटली 1880 में और एक और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है कि रेलवेज़ को अब जॉइंटली एक पब्लिक एंड प्राइवेट वेंचर के थ्रू डेवलप किया जाएगा। लेकिन शुरुआती के इन 50 सालों में रेलवेज़ को भारी खामियाजे का भुगतान करना पड़ता है। रेलवे को जो थी वो उन्हें हैवीली फाइनेंशियल लॉसेस से सफ़र करना पड़ता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम जो अर्ली फेज में रेलवेज़ को जो जूझना पड़ा, उनमें से ये थी कि जो रेलवेज़ का डेवलप करने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी कॉस्टली था एंड साथ में ही काफ़ी स्लोली रेलवेज़ डेवलप हो रहे थे। साथ में ब्रिटिशर्स ने एक गारंटी स्कीम लागू कर रखी थी जिसके तहत उन्होंने ये वादा किया था कि जो भी रेलवेज़ में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसे बदले में 5% जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को। लेकिन रेलवेज़ इतना मुआवजा कमा ही नहीं रही, तो ब्रिटिशर्स का आधा से ज़्यादा पैसा तो जो इन्वेस्टर थे उनको देने में ही लग जाता था। फिर रेलवेज़ का सेकेंड फेज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि अब हम पढ़ेंगे 1900 से लेकर 1947 तक। इस फेज़ को हम कैटेगराइजेशन करेंगे रेलवेज़ का सेंट्रलाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्रेस के बारे में। तो 1901 के बाद रेलवेज़ जो थी वो फाइनली प्रॉफिट मेकिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज़ को पहली ऐसी कंपनी थी जिसे स्टेट ओन्ड कंपनी बनाया जाता है। 1907 तक ऑल द मेजर लाइन्स जो भी थी उन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा परचेज कर लिया जाता है एंड और मुआवजा कमाने के लिए इन्हें वापस लीज पे दे दिया जाता है प्राइवेट ऑपरेटर्स को। अल्टीमेटली रेलवेज़ का महत्वपूर्णता को देखते हुए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज़ एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस वक्त सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स को मुआवजा कमा के दे रही थी, इन दोनों कंपनीज़ को नेशनलाइज किया जाता है।
फिर 1924 में एक और अहम डिसीजन लिया जाता है, एक कमेटी बिठाई जाती है जिसके चेयरमैन थे एक्वर्थ। अब वो रिकमेंडेशन देते हैं कि जो रेलवे का जो बजट है वो एक जनरल बजट से अलग होना चाहिए, कि अगर ब्रिटिशर्स सीरियस हैं रेलवेज़ का विकास करने के लिए तो एक अलग से बजट तैयार किया जाना चाहिए जो कि सिर्फ रेलवेज पे ही फोकस होना चाहिए। तो अल्टीमेटली 1929 में रेलवे का जो नेटवर्क था वो 64,000 किलोमीटर और बढ़ गया था। उस वक्त जो रेलवेज थी वो एनुअली 62 मिलियन पैसेंजर्स को ऑपरेट करती थी, साथ में ही 19 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स को भी कैरी करती थी। लेकिन पहले विश्व युद्ध एंड दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो एक्सपेंशन था, रेलवे का एक्सपेंशन प्रोसेस था, वो धीरे धीरे स्लो होने लग पड़ता है। लेकिन इस दशक में रेलवेज ने दो महत्वपूर्ण काम किए, जिनमें जो कि ये थे कि रेलवेज़ के कारण क्या हुआ कि जो दूर दराज से जो लोग थे वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आने लगे, टाउन्स में आने लगे, सिटीज़ में आने लगे, तो उनके विचारों में क्या हुआ, एक तरक्की हुई। तो इसने क्या करा, जो हमारे भारत का फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें इंडियन नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। सिमिलरली जिन जिन इलाकों से रेलवेज़ गुजरती थी उन मैक्सिमम सभी इलाकों में क्या हुआ, जो लोकल इंडस्ट्रीज थी उनको बढ़ावा मिला, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट देखने को मिला। सिमिलरली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी मुंबई में डेवलप हुई थी वो रेलवेज़ के एक्सपेंशन के कारण ही डेवलप हुई थी। अब हम करेंगे रेलवेज़ का थर्ड फेज़, जो कि 1948 से 1980s के बारे में, 1980s तक चलेगा। तो इसमें भारत सरकार को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसे ही पार्टीशन किया जाता है तो 40% जो न्यूली बिल्ट स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा पाकिस्तान में चला जाता है। अब भारत सरकार के पास दो नई चुनौतियाँ थी, पहले तो रेलवेज़ को दूरदराज तक के क्षेत्रों में पहुंचाना एंड दूसरा कि रेलवेज़ को एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट में ऑपरेट करना। तो 1951 से 1952 तक रेलवेज़ की जोन्स बनाई जाती हैं, अलग अलग से जोन्स बनाई जाती हैं। फिर लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी मोस्टली इन 1980s में कुछ और महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं। 1979 में जो रेलवे की लाइन थी उनका इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। 1980s में सारे के सारे जो स्टीम लोकोमोटिव इंजन थे उन्हें स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेन से रिप्लेस किया जाता है। 1984 में पहला मेट्रो स्टेशन बनाया जाता है कलकत्ता में, एंड 24th of October 1984 को पहली जो मेट्रो ट्रेन थी वो चलाई जाती है एस्प्लेनेड टू भवानीपुर, जो कि कलकत्ता वाला इलाका था। सो प्रेजेंटली जो रेलवेज जो है वो भारत का जो रेलवे नेटवर्क है दैट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ओनली आफ्टर अमेरिका, रशिया एंड चाइना। आज के टाइम पे जो रेलवे का जो रूट लेंथ है या ट्रैक लेंथ है वो है 1,26,000 एंड डेली भारत रेलवेज जो है वो 13,452 ट्रेनें ऑपरेट करता है अपने 7,325 स्टेशन से। तो अगर आज के टाइम पे किसी ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाना हो या गुजरात से लेके गुवाहाटी तक जाना हो तो सबसे पहले मन में बात यही आती है कि ट्रेन के थ्रू जाया जाए। तो आज के टाइम पे रेलवे जो हैं वो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है इंडियन जनरेशन को, इसी तरह रेलवे जो हैं वो भारत की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं। इसी कारण रेलवेज़ को लाइफ लाइन ऑफ द नेशन भी कहा गया है। तो आई होप ये सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा। थैंक यू। जय हिंद।